नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते हफ्ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुए भव्य आयोजन में खड़गे ने कार्यभार संभाला। मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पदभार संभालने से पहले खड़गे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचे। बता दें, खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को हराया था। खड़गे ऐसे वक्त में अध्यक्ष बने हैं जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव सिर पर आ गए हैं और उनमें कांग्रेस को जीत दिलाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको बधाई दी, साथ ही कहा कि वो बहुत प्रसन्न हैं और बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आपने इतने दिनों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है वो गौरव की बात है, उसका एहसास जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। ये सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। सोनिया ने कहा कि मुझसे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जितना बन पड़ा वो किया, आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी, ये भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसलिए मुझे राहत का एहसास हो रहा है। अब ये जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कहा कि सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि आपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वो अनुभवी नेता हैं, धरती से जुड़े हुए नेता हैं। एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए अपनी मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन के क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हमें सफलतापूर्वक कैसे करना है। आपने जिस लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुना है, मुझे भरोसा है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना कर सके। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, मजबूती के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत के सुर लगातार बढ़ रहे हैं। कई नेता और उनके समर्थक पहले ही बड़ी संख्या में इस्तीफा देने और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के चार बड़े नेताओं ने बागी रुख अपना लिया। नामांकन से कुछ घंटे पहले जब बीजेपी ने कुल्लू विधानसभा से अपना प्रत्याशी बदला तो यहाँ भी बगावत हो गई। बीजेपी ने यहाँ से महेश्वर सिंह का टिकट काट उनकी जगह नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद महेश्वर सिंह ने इस फैसले पर नाखुशी जताते हुए अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले वो अकेले भाजपा नेता नहीं थे। राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष राम सिंह ने भी कुल्लू सदर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और धर्मशाला से भाजपा के दो नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष विपिन नहरिया और धर्मशाला इकाई के प्रभारी अनिल चौधरी ने धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार को नोटों में गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें लगानी चाहिए। केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि आज भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज भी भारत विकासशील देश ही क्यों है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो और सभी लोग अमीर बने। इसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन प्रयास तभी सफल होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरी केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील है कि भारतीय करेंसी नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाए। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत प्रयासों की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी में एक ओर गांधी जी और दूसरी ओर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगेगी तो उससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि के देवी माना गया है और गणेश जी को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। ऐसे में उन दोनों की तस्वीरें नोटों पर लगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन हर महीने जो नए नोट छप रहे हैं उनमें ये शुरुआत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के जिस निजी अस्पताल में ब्लड प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाने से मरीज की मौत हुई,
उस पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ग्लोबल हॉस्पिटल को आगामी 28 अक्टूबर तक इमारत खाली करने का नोटिस दे दिया है। बताया गया है कि अस्पताल की इमारत को अवैध ढंग से बनाया गया है। मालूम हो कि प्रारंभिक जांच में चूक पाए जाने के बाद ही पिछले हफ्ते अस्पताल को सील कर दिया गया था। वहां कोई मरीज नहीं है। बता दें, प्रयागराज के निजी अस्पताल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में एक शख्स को डेंगू के इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन इस शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने मरीज को प्लाज्मा की जगह ड्रिप के जरिए मौसमी का जूस चढ़ा दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। बलात्कार मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर है, लेकिन इस दौरान पहले तो उसने सत्संग किया जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हुए, और वहीं दिवाली के मौके पर उसने एक म्यूजिक वीडियो जारी कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये वीडियो राम रहीम के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जिसका शीर्षक है शादी नित दिवाली। वहीं राम रहीम को पैरोल मिलने पर टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा कि राम रहीम पैरोल पर बाहर रहते हुए म्यूजिक वीडियो डालता है। यूएस और यूके के विपरीत भारत में एक सख्त पैरोल कानून का अभाव है। पैरोल को केवल पिक एंड चॉइस आधार पर पक्षपाती राज्य सरकार के अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, सही समय पर कानून को बदल दिया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार शाम एक एडवाइजरी जारी की है और भारतीय लोगों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में और बिगड़ते हालात को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही दूतावास ने यूक्रेन छोड़ने के लिए सीमा पर पहुंचने में किसी तरह की मदद या दिशा निर्देशों के लिए संपर्क करने को कहा है। चक्रवाती तूफान सितरंग के कारण बांग्लादेश में 35 लोगों की मौत हो गई है। देश में कई जगहों पर बिजली कट हो गई है और लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सरकार ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के कारण 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 6,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। मछली पालन से जुड़े हजारों प्रोजेक्ट भी बाढ़ में बह गए हैं। बाढ़ के कारण कई जगहों पर लोग फंस गए हैं। हालांकि मंगलवार दोपहर के बाद ये चक्रवाती तूफान धीमा पड़ गया। इसके आने से बांग्लादेश के प्रभावित इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। इस तूफान के कारण पूर्वोत्तर में हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है और मंगलवार को 7 हवाई सेवाओं को रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो देश में जल्द चुनाव कराने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की ओर मार्च निकालेंगे। इस मार्च की शुरुआत 28 अक्टूबर की सुबह 11 बजे लाहौर से होगी। इमरान खान ने कहा कि हम लिबर्टी चौक पर इकट्ठा होंगे और इस्लामाबाद की ओर मार्च करेंगे। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सना उल्लाह ने कहा है कि पीटीआई को इस्लामाबाद में शांति व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।